ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में बहुत कमाल की चीज बात करने वाले गाइस। अगर आप कोडिंग करते हो यार, तो आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, आपने भी शायद प्रोजेक्ट बनाया होगा और हमने भी प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले स्प्रिंग बूट के एक ऐसे प्लगइन के बारे में जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब गाइस, हमने जब इस प्लगइन को देखा था, मतलब कमाल की बात ये लगी थी कि यार, मतलब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसी प्लगइन के बारे में। अभी ये कौन सा प्लगइन है, ये सारी चीज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा एंड साथ ही साथ में आपको समझाऊंगा भी ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। बट गाइस, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो सपोज हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब जब प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा और बेसिकली हम लोग फॉलो करते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर। अब ऐसा नहीं सिर्फ आप स्प्रिंग बूट में ही लेयर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करते हो, आप अलग अलग टेक्नोलॉजी में जब कोडिंग करते हो तो आप लेयर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्प्रिंग बूट की बात करते हैं, तो जैसे हमने स्प्रिंग बूट में कोड लिखना स्टार्ट किया गाइस, तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोलर्स बनाते हैं एंड इवन बहुत सारे कंट्रोलर्स बनाते हैं गाइस। अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा है तो ये थोड़ा सा बोरिंग टास्क लगता है। क्या बोरिंग टास्क लगता है, इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। सपोज आपने कंट्रोलर बना लिया, कंट्रोलर में सिर्फ आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे, लेकिन वहां पे बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा जाता। हालांकि लिख सकते हो, लेकिन उसमें लिखने नहीं लिखा जाता है, ये रिकमेंडेशन है, ये एक स्टैंडर्ड है। तो आप बिजनेस लॉजिक्स कहाँ लिखते हो, उसके लिए आप सर्विसेज बनाते हो। दैट मीन्स कंट्रोलर से कॉल करते हो अपने सर्विसेज को, एंड सर्विस के अंदर आप अपना बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करते हो। वहां पे अलग अलग डिफरेंट क्लासेस को कॉल कर सकते हो, कोई बिजनेस लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट कर लोगे। लेकिन बात आती है, अगर वहीं पे आपका एप्लीकेशन डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, अब एक नई इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी कि अब हमारे पास डेटाबेस में कोई डेटा रखा है, वो जो बिजनेस लॉजिक आप एग्जीक्यूट कर रहे थे वहां पे अब आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ गई। तो अभी आप क्या करने वाले, अब आप समझिए, अब आपके पास एक और क्लास होगी जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा एक्सेस लेयर। वहां पे एक और लेयर होगी, दैट मींस एक और क्लास होगी, उस क्लास वो क्लास डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही होगी और अब हम लोग अपने सर्विस के अंदर वो डेटाबेस वाली क्लास को कॉल करेंगे। दैट मींस यहाँ पे लेयर्ड आर्किटेक्चर बन रहा है। एक कंट्रोलर सबसे पहले कॉल हो रहा है, कंट्रोलर के बाद हमारा कॉल हो रहा है बिजनेस लॉजिक कॉल हो रहा है, दैट मींस सर्विसेज कॉल हो रही है, उसके बाद हमारा डेटा लेयर वाली लेयर कॉल हो रही है। एक एग्जांपल दे दो, सपोज आपके पास पर्सन कंट्रोलर है, तो पर्सन कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आई, बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पर्सन सर्विस कॉल करेंगे, एंड अगर आपको डेटाबेस एक्सेस करना है तो हम पर्सन डेटा रिपोजिटरी वगैरह कॉल करेंगे या डेटा एक्सेस लेयर वाली क्लास को कॉल करेंगे। अब बात आती है कि बार बार आपको ये कोडिंग करनी पड़ेगी। सपोज आपने पर्सन लिखा, पर्सन के लिए फिर एम्प्लॉइज, कार्ड, प्रोडक्ट, जितने भी आपके अंदर आपके प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल्स हैं, सबके लिए ये चीज करना पड़ेगा। तो अब जब आप एक दो चीजें तो भाई आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता क्या है कि जब आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा मतलब सपोज आपका आपको ई कॉमर्स का साइट बनाना है, जल्दी से बनाना है, अभी कॉमर्स पे आपका मॉड्यूल हो गया, लॉगिन मॉड्यूल हो गया, साथ यूजर मॉड्यूल, प्रोडक्ट मॉड्यूल, कैटेगरी मॉड्यूल, ऐसे करके आते हैं, तो आपको वहां पे बार बार कंट्रोल लिखना, सर्विसेज लिखना, एंड देन उसमें भी आपको देखना है कि लूज कपलिंग हो, दैट इंटरफेस का कॉन्सेप्ट देखना, ये सारी चीजें करने वाले बाद थोड़ा क्या कहते हैं तो बहुत ज्यादा टायरसम प्रोसेस हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को हमारा एक प्लगइन सॉल्व करने यहां पे आ गया है जेटब्रेन्स के द्वारा। अगर मैं आपको प्लगइन दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास प्लगइन है जिसका नाम है, अगर आप इंडेजे आइडिया ओपन करोगे एंड इसमें जाओगे अपने प्रेफरेंसेस के अंदर एंड यहाँ प्लगइन्स के अंदर, और जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे स्प्रिंग, तो आपको जैसे आप नीचे स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे एक प्लगइन मिलेगा, दैट इज अ एंटिटी स्प्रिंग रेस्ट कोड जनरेटर। ये एंटिटी के बेसिस पे बाकी कोड्स को जनरेट कर देता है। दैट मींस आप एंटिटी लिख दो कि भैया हमारे पास ये स्टूडेंट एंटिटी है जिसके अंदर आईडी है, नेम है एंड फोन नंबर है। ये सारी चीज होने के बाद बाकी ये कंट्रोलर, सर्विसेज, डाउन लेयर, मतलब मोस्टली सारी चीजें डेवलप कर देगा यार। मतलब मैं तो देख के तंग रह गया था भाई कि यार मतलब कितनी बढ़िया चीज है यार। देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस प्लगइन इज जनरेटिंग कोड फॉर एंटिटीज विद अ बीन डिफाइंड विद एंटिटी एनोटेशन, यूज दिस आर कॉलिंग। तो आप एक कंट्रोलर जनरेट कर देगा, डाओ जनरेट कर देगा विद सॉर्टिंग एंड पेजिंग रिपोजिटरी, डीटीओ भी जनरेट कर देगा, सर्विसेज भी जनरेट कर देगा, मैपर भी जनरेट कर देगा। अगर एंटिटी को मैप करना है डीटीओ में, डीटीओ को एंटिटी के अंदर, तो वो सारी चीजें कर देगा यार। तो कमाल की चीज, आप इसको यूज करो अगर आपको जल्दी से लेयर्स पे कोडिंग करनी है, आपको पता है तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा देखते हैं कैसे कोड को जनरेट कर रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे एंड बाकी इसको पढ़ने के लिए इसके होम पेज पे चले जाएंगे। इसके लिए कुछ डिपेंडेंसीज भी रिक्वायर्ड होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बूट डेटा जेपी चाहिए होगा, डेटा रेस्ट ऑप्शनल है, देन क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन पे जनरेट करेगा स्वैगर की, दैट मीन्स हमें यहाँ पे स्वैगर की भी डिपेंडेंसी चाहिए होगी, मैप स्ट्रक्ट की डिपेंडेंसी चाहिए होगी, मैप स्ट्रक्ट प्रोसेसर की भी डिपेंडेंसी चाहिए होगी। तो ये सारी डिपेंडेंसी अगर आपको कोड को कंपाइल करना, रन करना है तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर लगा लीजिए, ठीक है।
जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बट अभी हमने नहीं लगाया सर, हम कोड जनरेट कैसे कर रहे हैं ये देखना है कि क्या एक्चुअली ये कोड क्वालिटी कोड जनरेट कर रहा है कि नहीं जनरेट कर रहा है। तो सिंपली हम ओके कर देंगे यहाँ पे एंड आई थिंक इंस्टॉल हो गया। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, अपने प्रेफरेंसेस में चलते हैं एंड आई थिंक हो चुका है। एक बार हम इंस्टॉल में चेक करते हैं अपने, एग्जैक्टली हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जेपीए की डिपेंडेंसी लगा ली है, क्योंकि जेपीए की डिपेंडेंसी के हम से हम लोग एंटिटी बना पाएंगे और एंटिटी के हम से ये जो कोड जनरेटेड टूल है या ये जो प्लगइन है वो हमारे बाकी कोड को जनरेट करेगा। इवन आपका यूनिट टेस्टिंग वगैरह भी यूनिट टेस्टिंग की कोड को भी जनरेट करेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे करता है, ठीक है। तो हम सिंपल एक एंटिटी बनाएंगे एंड हम लोग क्या करें, सिंपल अपने पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग न्यू पे चलेंगे एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया है, एंटिटी स्प्रिंग रेस्ट कोड जनरेटर। वाओ यार, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं मॉडल्स, मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स एक पैकेज बना ली। अच्छा, और इसके बारे में देखने के लिए आप इसके होम पेज को भी पढ़ सकते हो भाई, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन कुछ ना कुछ तो दी होगी कैसे काम करना है। तो लेट्स गो टू द होम पेज, प्लग इन होम पेज पे आप चले जाइए, ठीक है। सो यहाँ पे प्लग इन होम पेज पे हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे पूरा पूरा गाइड दिया होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ जाके ज्यादा इन्फॉर्मेशन को लीजिए, बस मैं आपको बस चीजें सिखा रहा था कि हाँ भाई ऐसी चीजें भी अवेलेबल है मार्केट में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें बता रखी है, ठीक है। इवन स्टेप्स क्या है ये भी उन्होंने बता रखा है कि आप एक इंटरफेस बना लो मॉडल फोल्डर में, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एंट्री एंड उसके अंदर एक पैथड बनाना गेट आईडी, ठीक है, एंड देन आप जो बनाना एंटिटी उस पर इंप्लीमेंट कर लेना एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी एंड ओवरराइड कर देना गेट एंटिटी वाला मेथड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल एंटिटी करके भी आप देखते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कोड करते थे वैसा करके सबसे पहले देखते हैं। तो हम लोग मॉडल्स के अंदर एक एंटिटी बनाएंगे, दैट इज अ स्टूडेंट एंटिटी क्लास, यहां बना लेते हैं एक स्टूडेंट फटाफट स्टूडेंट एंड एग्जैक्टली स्टूडेंट के अंदर हम इसको एंटिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, @entity, ठीक है, एंड इसके अंदर कुछ फील्ड्स रख देते हैं, जैसे हमने रख दिया यहां प्राइवेट इंटीजर स्टूडेंट आईडी रख देते हैं एंड प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, बस मैंने दो ही फील्ड लिए, बाकी आप लीजिए, हम लोग सिर्फ टेस्टिंग ही कर रहे हैं। एंड देन हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग चलते हैं और यहां पे हम लोग, ठीक है, चलते हैं और यहां पे हम लोग कर देते हैं यार, ओके, सो हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले जनरेट करेंगे डिफॉल्ट वन एंड देन पैरामीटराइज्ड वन एंड देन गेटर सेटस भी जनरेट कर लेते हैं फटाफट। तो हम यहां पे कमांड एन दबा के गेटर सेटस को जनरेट कर लेंगे, कंट्रोल ए करके ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज जनरेट होगी। अब हम इस एंटिटी आईडी भी तो बताएंगे, ठीक है। सो हम यहां पे आ जाएंगे एंड लेट्स डिफाइन द आईडी ऑफ दिस एंटिटी विद आईडी एनोटेशंस एंड बाय डिफॉल्ट जनरेशन वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी में हम यूज कर लेंगे आइडेंटिटी, 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 ठीक है। सो दैट्स जस्ट हमारा एंटिटी रेडी है। अब हम लोग कमाल धमाल मचा सकते हैं, कैसे कमाल धमाल मचाएंगे, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एंटिटी पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास एंटिटी रेस्ट कोड जनरेटर, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। आपके सारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गए, फोल्डर्स क्रिएट हो गए, फोल्डर्स के अंदर आपकी क्लासेस भी बन गई। मैं आपको दिखाता हूं, कंट्रोलर के अंदर आपके पास एक इंटरफेस बन गया स्टूडेंट कंट्रोलर और इसके अंदर हमारे पास सारे मेथड बन गए, जैसे सेव का एक मेथड है, फाइंड बाय आईडी मेथड है, डिलीट मेथड है, लिस्ट मेथड है, पेज क्वेरी मेथड है, अपडेट वन मेथड है। तो ये मेथड इंटरफेस, दैट मींस ये लूज कपलिंग को भी फॉलो कर रहा है, दैट क्वालिटी कोड यहां मेंटेन होने वाला है। एंड ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने स्प्रिंग फॉक्स की डिपेंडेंसी नहीं लगाई। तो जैसे आप स्प्रिंग फॉक्स की डिपेंडेंसी लगाओगे, स्प्रिंग फॉक्स मतलब सॉकेट की डिपेंडेंसी लगाओगे, तो ये एरर अपने आप चली जाएगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं। और इसकी इंप्लीमेंटेशन इसने कर दी है, इसकी इंप्लीमेंटेशन भी कर दी, दैट मींस कोड इसने लिख भी दिया। आप देखो स्टूडेंट कंट्रोल इंपल है जो इंप्लीमेंट कर रहा है हमारे स्टूडेंट कंट्रोल को, दैट मींस हमारी इंप्लीमेंटेशन क्लास को इंप्लीमेंट कर रहा है भाई। एंड रिक्वेस्ट में API/student लगा दिया इसने एंड इसने सर्विस को भी ऑटो वायर कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट फाइनल एंड स्टूडेंट मैपर, और इसने मैपर को भी इंप्लीमेंट कर लिया है, यहाँ पे यूज कर लिया है, दैट मींस ये ऑटो वायरिंग वगैरह करेगा और यहाँ पे कन्वर्ट करेगा एंटिटी को आपके DDO में एंड DDO को एंटिटी में, दैट मींस दिस मैपर इज यूज फॉर दिस केस। So, ये काफी कमाल की चीज है यहाँ पे यूज करने वाले, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है, ये सब ठीक है। एंड आप देखोगे तो यहाँ पे सेव मेथड है, सेव मेथड में DDO कन्वर्ट किया गया सबसे पहले एंटिटी विद द हेल्प ऑफ मैपर। वाओ यार, मतलब कमाल की चीजें कर रहा है भाई।
एंड देन इसने क्या किया, सिंपली स्टूडेंट सर्विस डॉट सेव्स, इसने सर्विस का सेव मेथड कॉल कर लिया है एंड फिर उसको डीटीओ में कन्वर्ट भी कर दिया है। वाओ, तो जो हम लोग कोड खुद से लिख रहे थे उसने सारा कोड कर दिया, तो अब आपको यहाँ पे कोड करने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है। सो आई होप, एंड इवन सर्विस अगर हम देखते हैं सर्विस, तो सर्विस यहां से भी देख सकते हो डायरेक्टली सर्विस, लेट्स एक्सप्लोर सर्विस। तो सर्विस में भी इसने क्या किया, इसने दो इंटरफेसेस बना रखे हैं, जेनेरिक सर्विस, ठीक है, जेनेरिक सर्विस एंड एक बना रखा है स्टूडेंट सर्विस, एक बना रखा है जेनेरिक सर्विस। तो जेनेरिक सर्विस इंटरफेस के अंदर वो सारे कॉमन मेथड्स रख दिए हैं एंड स्टूडेंट सर्विस के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर एक्सटेंड कर लिया, दैट मींस वो कॉमन मेथड्स आपके स्टूडेंट सर्विस के अंदर यहां पे आ चुके हैं। आपको कुछ और एक्स्ट्रा मेथड्स रखने हैं तो आप इसके अंदर रख सकते हो। वाओ, ये तो और बढ़िया चीज है भाई, ठीक है। दैट मींस कॉमन मेथड जेनेरिक सर्विस के अंदर है और स्टूडेंट सर्विस के अंदर वो मेथड वापस से एक्सटेंड हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये फाइनल एंड डन है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे कुछ गलतियां भी की हैं, जैसे यहाँ पे क्या है कि इसको एम कर दो, क्योंकि जो टाइप ले रहा है वो एग्जैक्टली टाइप ले रहा है ई एंड एम, ठीक है। एंड यहाँ तो रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये तो आप सॉल्व कर लो भाई, आप बैठे हो ना, ऐसा थोड़ी ना यही कोडिंग कर रहा है, तो आप बैठे हो तो सारी चीज कर लोगे आप, ठीक है। चीजें प्रॉब्लम जो आ रही सॉल्व कर लोगे, 100% एक्यूरेट कोड को ये जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं और इसने सारी इंप्लीमेंटेशन लिख दी हुई। देखो स्टूडेंट सर्विस इंपल में इसने अपने आप से डिक्लेयर कर लिया स्टूडेंट रिपोजिटरी, दैट मींस ये डेटा लेयर को भी यूज कर रहा है। वाओ यार, काफी चीज अच्छी है और हमने कोई भी कोडिंग यहां पे नहीं की। एंड इसने सेम मेथड को इंप्लीमेंट कर दिया भाई, सेव सारी चीजें, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को भी ये सेव कर देगा, डिलीट भी कर देगा, फाइंड बैक कर देगा, एंड काफी कमाल की चीज है यार। दैट मींस हमारी पूरी सर्विस इंप्लीमेंट हो गई है। हालांकि एक किसने ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया, तो उस ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद इसने मैपर भी बना दिया है, मॉडल्स तो हमने बनाया था, मैपर में इसने एक जेनेरिक मैपर बनाया है, ठीक है, जो सबके लिए काम कर जाएगा। एंड देन स्टूडेंट मैपर में इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया जेनेरिक मैपर को, दैट्स इट, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी मैप स्ट्रक्ट वगैरह लाइब्रेरी है नहीं, तो इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। सो रेफरेंस मैपर भी इसने यूज कर लिया है क्लास, ये बेसिकली हमारा काम कर रहा है, ठीक है। एंड डीटीओ में भी इसने एक एब्स्ट्रैक्ट डीटीओ बना दिया एंड एक हमारा स्टूडेंट डीटीओ बना दिया, ठीक है। स्टूडेंट डीटीओ हमारे पास था, तो एब्स्ट्रैक्ट डीटीओ को इसने एक्सटेंड कर लिया। तो जो कॉमन कोड है वो ये इंटरफेस के अंदर रख रहा है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रख रहा है, ठीक है। सो आई होप आप समझ पा रहे। इवन डाओ भी इसने क्रिएट किया है, डाओ मीन स्टूडेंट रिपोजिटरी भी इसने क्रिएट कर दिया एंड एक्सटेंड कर रहा है पेजिंग एंड शॉर्टिंग रिपोजिटरी, सारी चीज ने क्रिएट कर दिया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दैट मींस आप ऐसे ऐसे प्लगइन्स भी अवेलेबल है जिसको यूज कर सकते हो अपने कोड के अंदर, जो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं भी जब कोडिंग लिखता था तो ऐसा लगता था यार कि मतलब काफी मेहनत हो रही कोडिंग करने में, लेकिन अगर ऐसे मतलब प्लगइन्स अवेलेबल रहेंगे तो कोड को काफी बढ़िया बना सकते हैं और काफी मतलब कह सकते हो सारे लेयर्स के कोड तो खुद ही लिख दे रहा है। आपको सिर्फ क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ एंटिटी क्रिएट करनी पड़ रही है एंड थोड़ा सा आप एक्यूरेट कोड और भी लिख सकते हो अगर इनके स्टेप्स को फॉलो करोगे भाई। आप एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी बना लो, जैसे ही कह रहे हो ऐसे स्ट्रिप सॉल्व कर लो, ये सारी लाइब्रेरीज रख दो, अपने आप से कोड डायरेक्टली रन हो जाएगा। सो ये टास्क आपके लिए है एंड ये आपको प्लगइन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और अपने फ्रेंड्स को बीच में शेयर करना भी मत भूलेगा। चलते मिलता हूं नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हां, इस वीडियो को लाइक करके रखना है, 1000 लाइक आई होप आप लोग करा दोगे, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। बाय बाय।